और चरण आप लोग देखेंगे। कई बरसों पहले जो हमारे शहीदों ने शहादत दिए केवी दर्जीपुरा के बच्चे, उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहते। तो प्रस्तुत है सन 57 की क्रांति का एक दृश्य। बैरकपुर छावनी में चिंगारी भड़क उठी थी, वो न केवल मेरठ बल्कि देश के विभिन्न भागों में फैल गई थी। चलो हम आपको ले चलते हैं मेरठ के बैरकपुर छावनी में, जहाँ का दृश्य देखकर आपकी आंखें नम होगी और हृदय द्रवित होगा। लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, जिन्होंने हमारे भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता की मशाल प्रथम ज्योत जलाई, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह रूपी ज्वाला भड़क उठी। जब 97 के पीर बैली वीरन के पुकार बैली, बलिया के मंगल पांडे के ललकार बैली, मंगल मस्ती में चूर चलल, गोरा की पलटनी के आगे बलिया के सूर चलल। फिरंगियों भारत छोड़ो, ये आजादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आने वाले कल के लिए स्वतंत्रता संग्राम है ये। फिरंगियों भारत छोड़ो, मैं मंगल पांडे तुम्हें फिर से चेतावनी देता हूँ, भारत छोड़ो, जय हिंद। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सपने मन में ठानी थी, चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं मेरी झांसी का सर कभी नहीं झुकने दूंगी, जब तक ये झांसी की रानी जिंदा है मैं मेरी झांसी किसी को नहीं दूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक महान देशभक्त की उपलब्धियां इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है, उनके शौर्य की गाथा महानता और संघर्ष से भरी हुई है उतनी ही रोमांचक और उत्प्रेरक है, वो है तात्या टोपे। अंग्रेजों, हम तुम्हारी गुलामी नहीं सहेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। अवध की आखिरी नवाब वादित अली शाह की बेगम हजरत महल ने एक वीरांगना की तरह अंग्रेजी राज के विरुद्ध संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में अवध के क्रांतिकारियों ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी, वो थी बेगम हजरत महल। मैं अंग्रेज शासकों की ईंट से ईंट बजा दूंगी, मेरे अखंडित भारत का वर्षा इन फिरंगियों को नहीं सौंपूंगी। वंदे मातरम। सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें दो दो आजीवन कारावास की सजा मिली। सावरकर पहले ऐसे भारतीय राजनेता थे जिन्होंने सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। वीर सावरकर ने राष्ट्र ध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सबसे पहले दिया था, जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना। ये तीर्थ महातीर्थों का है, इसे मत कहो काल पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण से गाथा महाबली। ये तीर्थ महातीर्थों का है, इसे मत कहो काल पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण से गाथा महाबली। जय वंदे मातरम। विनायक दामोदर सावरकर, जो आपल्या भारताच्या इतिहास स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणून या नावाने अजरामर झालेला आहे। सन 1909 ब्राइडलच्या समुद्र किनाऱ्यावर बसलेला असताना समुद्र फार उरमळलेला होता, त्या उरमळलेल्या समुद्राला पाहून आपल्या वीर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या मनात एक उत्मातल्या मातृभूमीची आठवण झाली। त्यांना असं वाटलं की परत आपण आपल्या मातृभूमीला जावं आणि एक अजरामर संस्कृत प्रचुर काव्य अजरामर झालं। नेमजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तडमडला। वंदे मातरम।
चिंगारी केवल बैरकपुर छावनी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मेरठ, झांसी, ग्वालियर और अंत में दिल्ली में भपक उठी। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और आग का गोला इस ज्वाला में डाला, वो था रॉलेट एक्ट, जिसमें बिना अपराध के, बिना पूछताछ के अपने ही देश में खड़े हुए अमृतसर के बहादुर शेर। दिन था बैसाखी 13 अप्रैल 1919। आप सभी को याद होगा जलियांवाला बाग कांड, जो हमारी भारत माता के आंचल में लगा एक और नया जख्म था, जिसे हमारे शहीदों ने अपनी शहादत देकर। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद, क्या बात है। हर बात के पीछे जब कोई बात है तो वहां आजादी की शहादत की बात है। तो प्रस्तुत है एक और दृश्य। मेरे प्यारे देशवासियों, इनको ही सरकार का जो शपित सरकार है, जो काला कायदा रॉलेट एक्ट हम पे लागू किया, हम उसका पालन नहीं करेंगे। आज बैसाखी के अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रण करते हैं कि हम अपने देशवासियों को इस काली सरकार से मुक्त कराएंगे। अब आप सब मेरे साथ बोलिए, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, जय हिंद, जय भारत। इस पर जनसहार के विरुद्ध हमारे देश के ऊंचे पद वाले लोगों ने अंग्रेजों की सरकार के द्वारा मिली उपाधियां वापस कर दी। उनमें से एक महान विभूति रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। ऐसी चली कि भड़क उठा पूरा देश, चारों तरफ अस्त व्यस्त, जनता त्रस्त त्रस्त, भीड़ भागी जा रही थी, न दिशा न दशा। आवेश में विदेशी वस्त्रों की होली जलाएगी और खादी को स्वीकारा गया, जिसमें शामिल थे सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीदों की शराहत एक आखिर नहीं थी। आखिर हमारे इन देशभक्तों ने अंग्रेजी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी गांधी की कोक को स्वीकार किया। तो देखिए एक ऐसा ही दृश्य। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी की झलक की कड़ी में एक और कदम जो हमारे बापू गांधी जी ने उठाया था, वो था नमक कानून, जो हमारी जन जन की मूलभूत आवश्यकता थी। धरा हमारी, समुद्र हमारा, हम मुक्त गगन के पंछी, जल्दी हमारा पर नमक पर अधिकार उन अंग्रेजों का। इस पश्चात पूर्व स्थिति में गांधी जी कैसे चुप रह सकते थे, और शुरू हुआ दमन के खिलाफ एक और आंदोलन। आजादी के लिए मुक्ति नमक का आंदोलन अतुलनीय था।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 12 मार्च 1930 को 24 दिनों की यात्रा सारंग की साबरमती आश्रम से दांडी तट तक, यह खत्म हुई 6 मार्च 1930 को जब नमक बनाया गया। 8 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक दिन था जब धीमे पट्टे स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूटते हुए गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र देते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान दिया। जबकि आंदोलन से पूर्व अंग्रेजों ने सभी वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद और कैद कर लिया था। ऐसी परिस्थिति में आम जनता ने इसे अपने हाथों में लिया। ऐसे ही बिहार के एक क्रांतिकारी ने एशिया का उपमहाद्वीप कहलाने वाला भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद तो हो गया, लेकिन द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर। अंग्रेजों ने भारत को आजादी एक शर्त पर दी, यह अखंड भारत खंडित होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। और मिश्रियोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी तलक है नामो निशान हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ। जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ। हमारा यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान को बनाने में प्रमुख भूमिका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और राधा स्वामी अय्यर की रही। बाबा अंबेडकर के द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को संविधान की प्रति दी जाती है, ताकि हमारा शासन पूरे भारत का आज़ादी का लिखित है सुचारू रूप से चल सके।